हे गाइज, मोस्ट वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 हिडन एप्लीकेशन जिसको आपको जरूर डाउनलोड करना चाहिए। तो गाइज, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल बनता है तो टेक्निक बनता है। तो देखते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन का नाम है गेस्चर एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन से आप किसी भी लेटर ड्रॉ करके किसी को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो या किसी ऐप को लॉन्च भी कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते उसके बाद इस एप्लीकेशन को सारे परमिशन को अलाउ कर देना। उसके बाद इस एप्लीकेशन में आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे, उस इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना है। उसके बाद आपको किसी ऐप को लॉन्च करना चाहते हो, किसी को कॉल लगाना चाहते हो, वाईफाई ब्लूटूथ जो भी सेटिंग करना चाहते हो वो करें। तो अभी मैं यस ड्रॉ करता हूँ तो आप देख सकते हो मेरा यूट्यूब ऑन हो जाता है। तो गाइस, ये वाला एप्लीकेशन बहुत यूजफुल है, इसे जरूर डाउनलोड करना। तो देखते हैं सेकंड एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन का नाम है फोटो टच लॉक स्क्रीन। आपने बहुत सारे लॉक स्क्रीन के एप्लीकेशन देखा होगा, पर गाइस ये वाला एप्लीकेशन बहुत यूनिक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद इसे सारे परमिशन को अलाउ कर देना। उसके बाद आप गैलरी से जो फोटो ऐड करना चाहते हो उसे ऐड करें, तो यहाँ आपको वॉलपेपर मिल जाएंगे, उसे भी ऐड कर सकते हो। अभी आपको उस फोटो पर 2 या 4 जगह पर क्लिक करके आपको पासवर्ड सेट करना है। जैसे आप सेट करते हो तो उसके बाद आप कुछ सेट पिन भी कर सकते हो, मतलब आपका पासवर्ड रॉन्ग हो जाता है तो आप वो भी सेट कर सकते हो। इतना प्रोसेस के बाद आपको सेट थीम का ऑप्शन आता है, तो आप अपने हिसाब से जो थीम आपको पसंद आता है उस पर क्लिक करें और डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। अभी आपको आपके फ़ोन को अनलॉक करना है तो आपको वो फोटो आएगा। उस फोटो पर आपने जो भी पोजीशन सिलेक्ट किया है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सक्सेसफुली सिलेक्ट करते हो तो आपका फ़ोन अनलॉक हो जाता है। तो ये वाला लॉक स्क्रीन का एप्लीकेशन बहुत यूनिक एप्लीकेशन है। आपको आपको फोटो पर कुछ पोजीशन सिलेक्ट करके आपको पासवर्ड सेट करना है और इसमें आपको डिजिट का भी पिन सेट करने को मिलता है। तो इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करना। तो नेक्स्ट वाले एप्लीकेशन देखते हैं। इस एप्लीकेशन का नाम है ऑफलाइन चैट। वाले एप्लीकेशन व्हाट्सअप के लिए यूजफुल एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में आपको व्हाट्सअप के लिए बहुत सारे फीचर देखने को मिलते हैं। इस एप्लीकेशन में आपको पहला वाला ऑप्शन देखने को मिलता है ऑफलाइन चैट एंड नो लास्ट सीन। यहाँ से आप किसी को भी चैट कर सकते हो, वो भी आपका लास्ट सीन भी नहीं जाएगा और आप ऑफलाइन रहकर भी चैट कर सकते हो। इस एप्लीकेशन में आपको डायरेक्ट चैट का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर आप किसी पर्सन का नंबर डाल के विदाउट नंबर सेव करके आप चैट कर सकते हो। और आपको इस एप्लीकेशन में डार्क मोड का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, सेटर सेव का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो गाइस, इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करना। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। इस एप्लीकेशन का नाम है टेक्सप्लेन एप्लीकेशन। यह एप्लीकेशन आपके लिए बहुत यूजफुल एप्लीकेशन हो सकता है। इस एप्लीकेशन में आपको ओपन करना है और आपको फ्रेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। वहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट सा डिटेल नीचे टाइप करके उसके लिए आपको शॉर्टकट वर्ड्स ऊपर लिख देना है। इतना सा प्रोसेस के बाद आपको जब भी वो फ्रेज चाहिए तो आपको उसके लिए शॉर्टकट वर्ड्स टाइप करने हैं। जैसे आप शॉर्टकट वर्ड्स टाइप करते हो तो आप देख सकते हो आपके ऊपर वो बड़ा वाला फ्रेज आ जाता है, उस पर आपको क्लिक करना है। ये वाला एप्लीकेशन आपको बहुत सारे पर्पज़ के लिए काम आएगा। तो गाइस, इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करना। तो गाइस, देखते हैं लास्ट एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन का नाम है डंपस्टर एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन की वजह से आप अपने फ़ोन के पुराने डिलीट हुए फोटोज, वीडियोज और साथ ही आप ऑडियो को भी रिस्टोर कर सकते हो। सबसे फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन को आप ओपन करते हो तो एप्लीकेशन स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद आपके फ़ोन में जो भी डिलीट हुए फोटोज़ और वीडियोज़ को आपके सामने शो करते हैं। साथ में दोस्तों, आपको इस एप्लीकेशन में थीम वाले ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आपको पुराना थीम अच्छा नहीं लगता तो आप थीम चेंज कर सकते हो। तो आपको फोटो और वीडियोज़ को रिस्टोर करने के लिए उस पर क्लिक करना है। रिस्टोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको एक छोटा सा ऐड देखना है। जैसे आप ऐड देखते हो तो आपका फोटो और वीडियो रिस्टोर हो जाता है।